सो हे गाइस, मेरा नाम है रोशन और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं गाइस बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और गाइस आज मैं ना अपनी लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ कि मैं क्यों यूट्यूबर नहीं बन पाया। ठीक है, आपने पहले वाले वीडियोज आपने मेरे देखा कि मैं कितने साल पहले मैं कितना छोटा था। जिस टाइम मैंने अपनी यूट्यूब चैनल अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था, मुझे खुद से बोलने का एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं क्या बोल रहा हूँ और नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अभी गाइस यहाँ देख सकते हैं 11 अगस्त, एंड गाइस ये रात को मैं 2:04 में वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, जुनून है तब बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने लाइफ में बहुत सारे चैनल्स भी खोले एंड बहुत सारे चैनल मेरे बंद भी हो गए, बहुत सारे चैनल मेरे डेड भी हो गए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम भी किए थे, आखिर क्या प्रॉब्लम आती है और मेरे साथ आई जो मैं आज तक यूट्यूबर नहीं बन पाया। ठीक है, तो यदि आप लोग भी यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आप मेरी थोड़े से स्टोरीज को मेंशन करें एंड थोड़ा सा थोड़ा इग्नोर ना करें, अच्छा तरीका से थोड़ा देख लें ताकि छोटा सा मेरा प्रॉब्लम आपका भी प्रॉब्लम ना बन जाए। ठीक है, तो चलिए गाइस आज की मैं वीडियोज स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने देख ही लिए हैं वीडियोज में कि मैंने 4 साल पहले, ठीक 4 साल पहले कोरोना काल से थोड़ा सा पहले मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट किया था, जो कि गाइस मेरे पास स्मार्टफोन मेरा खुद का भी नहीं था। ठीक है, मैंने अपने फाइनेंस पे एक स्मार्टफोन लिया था कि आपको पता है आज से 4 साल पहले मैं कितना छोटा था, और कोई भी फादर या फिर मदर फैमिली में जो भी थे वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं करते कि मुझे फोन दिला पाते। ठीक है, क्योंकि मेरा पापा जो है ना, मम्मी जो है ना, बिल्कुल लो फैमिली से आते हैं, कोई भी अपना कुछ अच्छा जॉब वगैरह, अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने खुद से फाइनेंस से फोन लिया था, उसका किसी तरह से इधर उधर करके मैंने उसके ईएमआई चुकाता था। ठीक है, अब गाइस मैंने क्या किया कि मैंने टीम के साथ वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। अभी मैंने बहुत अच्छा तरीका से वीडियोज बनाता था, जो कि टीम के साथ मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी करती थी, बहुत सारे वीडियोज भी बनाता था। ठीक है, बहुत सारा मतलब खर्च वगैरह भी होता था, आपको पता है कि टीम को मैनेज करना कितना दिक्कत होता था। ठीक है, बट गाइस किसी कारणवश आज भी वो लोग वीडियोज बनाने के लिए, तो आज वीडियोज बनाएंगे नहीं, आज उसका काम है, आज इसका काम है, आज वो मार्केट जा रहा है तो आज वो है ही नहीं, आज वो शूट किया आज वो है ही नहीं। ठीक है, ऐसा होता था, बहुत सारा लाइफ में प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, इसके कारण बस मैंने वो टीम को स्किप किया, एंड स्किप करने के बाद मैंने सोचा कि कहीं दूसरे जगह कदम रखूंगा एंड देन मैं यूट्यूबर बन पाऊंगा या ना बन पाऊंगा उसका कुछ हाथ से हाथ बात। कुछ समय हुई मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को भगवान भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ समय हुई, मैं जो कुछ चाहता था मेरी लाइफ में, जो कुछ मैं चाहता था वो कुछ हो गया था। मैं चाहता था कि मेरे चैनल को मोनेटाइज कर दे, मैंने एक चैनल तो खोल दिया था, बहुत सारे लोग हमारे टीम तो काम करते थे, बट गाइस हम लोग का शुरू में सिचुएशन क्या आया था कि हम लोग ना एक पहले मैंने अपने स्कूल के नाम से ही चैनल खोल दिया था। ठीक है, उससे खोलने से पहले मैंने एक स्कूल के नाम से चैनल खोल दिया, वो चैनल भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें बहुत सारा क्या करता था, मैं खुद से लेक्चर नहीं दे पाता था, मैं जो भी अभी मैं बोल पा रहा हूँ ना अच्छे तरीके से, कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, वैसे मैं किसी चीज में कैमरे के साथ मैं फेस नहीं कर पाता था। आपको मैं बता देता हूँ, हर कोई जो लोग होते हैं ना, हर कोई इंसान होते हैं, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ ना वैसे हर कोई जो बिगनर लोग होते हैं, जो कैमरे के साथ कभी फेस नहीं किए हैं, वो हर कोई बोल नहीं पाते हैं। इसी तरह से मेरा सिचुएशन आया था कि मैं कैमरे के साथ बिल्कुल भी फेस नहीं कर पाता था। ठीक है, एंड बहुत सारी दिक्कत भी आती थी। एंड गाइस हमारे साथ जो भी हुई होगी ना, मैं पूरा हकीकत बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं पहले गाइस मैं एक लड़का हूँ ना जो कि बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ, कंसिस्टेंसी जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा मेहनत में अपने ध्यान देता हूँ, लेकिन क्या होता है ना मैं अपने वीडियोज में कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं कर पाता हूँ, रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। क्या होता है पता है गाइस, यदि आप लोग भी एक यूट्यूबर हो ना तो आपका माइंड सेट जो होता है ना, एक बार आपको जुनून लग गया कि आपके चैनल मोनेटाइज होंगे, आप वहां से पैसा गिरना स्टार्ट होगा, आपको उस पैसे में आप फुलफिल हो जाओगे। एंड गाइस बहुत लोग अभी ना बहुत ऐसा सोचते हैं कि हमारे चैनल किसी तरह से मोनेटाइज हो जाए एंड गाइस पैसा गिरना स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल गाइस मैंने उसी तरह से एक्सपेक्ट किया था, मैंने भी उसी तरह से सोचा था कि मेरे भी कुछ चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे एंड मुझे भी पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मैं भी अच्छे खासे अपनी जिंदगी को, लाइफस्टाइल को चेंज कर पाऊंगा। लेकिन गाइस यहाँ कुछ अपोजिट हो गया था, बात ऐसा था कि मेरे चैनल तो किसी तरह से मोनेटाइज भी हो गया था, मैंने अपने जुनून के साथ मैंने अपने गुरुजी को भी माना था जिनका नाम था मनोज सर। आप मेरे वीडियोस में देखे भी होंगे कि मैं उनसे मिला भी था, आखिर उन्होंने 5K सेलिब्रेशन से मुझे वीडियो कॉल में बात भी किया था। मैं आपको थोड़ा सा वो वीडियोज दिखा देता हूँ, उन्होंने मेरे साथ वीडियो कॉल पर बात भी किया था, मैं थोड़ा सा वीडियो लाइव प्ले। अब गाइस मेरे इंस्पिरेशन क्यों हुए थोड़ा सा ये जान लीजिए, हो सकता है ये वीडियोस मेरा थोड़ा लंबा हो सकती है, लेकिन ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हो सकता है। जैसे मैं फेल हो गया अपने यूट्यूब में, यूट्यूब जर्नी में, वैसे आप ना फेल हो जाएं,
इसीलिए आप इस वीडियोज को पूरा देख कर ही जाइएगा, ठीक है। अभी देखिए, शुरू से मेरे इंस्पिरेशन कौन थे, मनोज सर। मैं उनके वीडियोज को थोड़ा थोड़ा फॉलो करके मैं सोचता था कि मैं वीडियोज डाल पाऊं। एंड गाइस, ये जितना भी वीडियोज आ रहा है ना, पूरा 4 साल पहले की वीडियोज है, आप खुद देख सकते हैं। एंड मुझे शुरू से इंस्पिरेशन था कि मैं उनसे मिलूंगा, मैं उनसे बातें करूंगा, वो मेरे गुरुजी है, ऐसे कुछ करके मेरे से शुरू से इंस्पिरेशन थे और अभी भी हैं। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ अभी का, उसके बाद में दिखाता हूँ पहले का, ठीक है। अभी गाइस देख सकते हैं, अभी इसमें ट्रेडिंग खुला हुआ था, ठीक है। मैं सोच रहा था, मेरा दिमाग ना इधर उधर से भटकते रहता है, तो मेरा यहाँ देख सकते हैं अभी 2:10 रात को हो रहा है, ठीक है। मैंने रेंडम यहाँ दिमाग लगा दिया कि चलो कैमरे के साथ बैठ ही जाता हूँ। अब गाइस मैं एक चीज बता देता हूँ, ये है मेरा इंस्टाग्राम, अभी तक आप लोग फॉलो नहीं किए तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। एंड गाइस ये हमारा आईडी, ठीक है, ये देख सकते हैं रौशन रंगीला 053। अब गाइस मैं आपको इस आईडी में दिखाता हूँ क्या हुआ है, आखिर में क्या हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद में उनके बारे में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अभी भी मैं गाइस इस आईडी में जाऊंगा ना तो देख सकते हैं गाइस, अभी भी इस आईडी में एक स्टेटस लगा हुआ है, ठीक है। अब स्टेटस पे देखूंगा, इस तरह से मैं क्लिक करूंगा, देखूंगा कौन कौन देखा है आखिर इस स्टेटस को, ठीक है। अब गाइस यहाँ देख सकते हैं स्टेटस को, जो जो भी देखा है, ये देख सकते हैं हमारे एक मनोज सर भी है, आप अच्छा तरीके से देखें, ये हमारे मनोज सर भी है जो कि हमारे स्टेटस देखें, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि मैं यूट्यूबर भी नहीं हूं, मैं एक फैल हो चुका हूं, फेलियर हूं, फिर भी मुझे लोग मतलब देखे हैं, मेरे वो गुरुजी हैं, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं एंड बहुत ज्यादा मानता भी हूं। तो देख सकते हैं उनकी वाइफ जो है ज्योति श्री मातो, वो भी हमारे रील्स को देखी है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये देख सकते हैं, ये भी हमारे रील्स को अच्छे तरीके से देखिए। एंड गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इनसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगाव भी था। एंड गाइस इन्होंने मुझे 5K सेलिब्रेशन पे अपने वीडियोस कॉलिंग पे बात भी किए थे, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस आप उनके चैनल पे भी मुझे देखे होंगे एंड मैंने उनसे मिला भी था। अभी देख सकते हैं छोटा सा मनोज सर का क्लिप मैं दिखा देता हूं आपको। तो फ्रेंड्स अभी भाई लोग जो है मिलने आए थे, तो इनका डबल फायदा हुआ, सनातन भाई से भी मिलनी है, मेरे से भी मिलनी है, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके, ठीक है। बहुत दूर से हजारीबाग से आए हुए थे, मैं घर पर था नहीं। अभी गाइस यहाँ देख सकते हैं छोटा सा क्लिप मैंने दिखा दिया, मनोज सर से मैंने कब मिला था, 3 साल पहले मिला हूँ, ठीक है। और गाइस अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने उनसे वीडियो कॉल पे बात, तो गाइस ये रही बात, आप देखिए थोड़ा साथ में रहिएगा, आप कॉल काटिएगा मत, ठीक है। सो गाइस देख सकते हैं, मुझे मेरे गुरुजी मेरे साथ सपोर्ट होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि क्या है गाइस जानते हैं, मेरे कंसल्टेंसी जो है ना वो मैं फॉलो नहीं कर पाया, मैं एक रेगुलर बेस पे चल नहीं पाया। मुझे रोज का रोज वीडियोस अपलोड करना चाहिए था, मुझे यूट्यूब पे प्योर फोकस करना चाहिए था, लेकिन ये चीज मेरे से हो नहीं पाई। क्यों पता है, मेरे पापा कुछ अच्छे बेस पे काम नहीं करते हैं, मेरे जो जितना भी खर्च वगैरह होता है वो थोड़ा बहुत निकल पाता है, ठीक है। अपना भी पढ़ाई देखना था, घर का भी खर्च देखना था, मेंटेनेंस देखना था, ठीक है, टोटल पापा के सपोर्ट भी करना था, इसके वजह से ना मुझे इधर उधर काम भी करना पड़ता था एंड इसके वजह से मैं रेगुलर बेस पे अपडेट भी नहीं रह पाता, ठीक है। इसके लिए मैंने ट्रेनिंग भी की, मैंने वेब डिजाइनिंग भी सीखी, मैंने ट्रेडिंग भी सीखी, बहुत सारा चीज मैंने सीखी, इसके लिए मैंने स्किल्स के लिए मैंने बहुत सारे टाइम वेस्ट कर दिया। इसीलिए जब मैंने 3 साल से रेगुलर बेस पे यदि मैं वीडियोज डालता तो आज मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म रहता, ठीक है, लेकिन आज वो नहीं हो पाया गाइस। क्यों? क्योंकि मैं कर नहीं पाया, मेरे अंदर कंसल्टेंसी था, क्योंकि मैं जब रात को 2-2 तक वीडियोस बना सकता हूं तो हो सकता है मैं रात को रात रात भर जागता हूं सिर्फ लेक्चर देखते रहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं कुछ कर जाऊं, मार्केट में कुछ कर जाऊं, अपना नाम बना पाऊं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है गाइस। और ये चीज क्या होता है पता है, बार बार मैं आपको यही चीज बोल रहा हूं कि आप रेगुलर बेस पे कंटेंट लेके नहीं बैठ जाते। और गाइस हमारे जो है दूसरी प्रॉब्लम जो कि सबसे बड़ी मेरे अंदर प्रॉब्लम है, अब वो क्या प्रॉब्लम है मैं आपको बताता हूं। ये देखिए हमारा जो चैनल था ना, वो पहले आप मेरे फर्स्ट वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मेरा कॉमेडियन टाइप का चैनल था, फिर मैंने एक स्ट्रेटेजी चेंज किया, कैटेगरी चेंज किया, फिर मैंने बनाया किस टाइप का, ब्लॉग टाइप का बनाया। जब मेरा डायरेक्ट मेरा चैनल था ना, वो मेरा कैटेगरी चेंज किया,
फिर मैंने डायरेक्ट ब्लॉग टाइप का बनाया। सबसे पहले तो मैंने अपने स्कूल के नाम से एक चैनल खोल दिया था, मैंने जिस स्कूल में पढ़ाई करता था, मैंने पहले 8th क्लास में था, ठीक है, मैं जिस स्कूल से पढ़ाई करता था वो स्कूल के नाम से ही मैंने एक चैनल खोल दिया। एंड उस चैनल में अभी भी वो मेरे पास चैनल है, 100 कुछ सब्सक्राइबर मैंने स्कूल का जो फ्रेंड वगैरह होते हैं ना, फ्रेंड सर्कल, उनसे मैंने बोल बोल करके भाई कर दो सब्सक्राइब कर दो, एंड उनसे मैंने किसी तरह से 100-150 सब्सक्राइबर करवा लिए थे किसी तरह से। एंड गाइस उससे मैं क्या करता था, लोगों को वीडियोज उठा उठा के मैंने अपने चैनल में डाल देता था। उस टाइम तो मेरा प्रैक्टिस था, उस टाइम तो मैं सीख रहा था, ठीक है। अब मैं सीखने का टाइम में तो उस टाइम तो मैं अच्छा लेक्चर वगैरह वीडियोज कुछ बनाना नहीं पाता था। अभी भी आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, आप अभी सोचते होंगे कि मेरे को यूट्यूबर बनना है, तो आपको ये चीज डिसाइड नहीं होगा, आपके माइंडसेट ये नहीं काम करता होगा कि आपको क्या वीडियोस बनाना चाहिए। हो सकता है गाइस मेरी तरह से अभी मैं कैमरे पे एक सामने बैठ गया हूं, आज मैं 2 बजे रात को वीडियोस बना रहा हूं, हो सकता है मेरा कल से वीडियो आया ही नहीं, क्योंकि मैं खुद जानता हूं मेरा कंसिस्टेंसी खुद फॉलो नहीं करता हूं मैं, कितनी बार मैं आप लोग को वादा करके भी वीडियोस नहीं बना पाता हूं, ठीक है, इसी तरह से होता है। एंड गाइस मैं क्या करता था, लोगों को वीडियोस को उठा उठा के वहां पे अपलोड कर देता था, देन उसमें बहुत सारे व्यूज भी आते थे उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि इस टाइम पे चैनल पे एक स्ट्राइक आ गया था, अब दूसरे का वीडियो यूज करेंगे तो स्ट्राइक तो देगा ही, तो उसकी वजह से मेरे एक चैनल पे एक स्ट्राइक आ गया था। अब मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था कि भाई चैनल तो खराब हो गया, अभी इससे मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि मेरे सपोर्ट में तो कोई है नहीं, अभी तो मेरे साथ मनोज सर है, जब भी जरूरत पड़ता है मैं टैक्स वगैरह करके पूछ लेता हूं या फिर कॉल वगैरह होता है तो मैं कर लेता हूं, और तब तो मेरे साथ कोई था नहीं तो मैं कैसे क्या करता। अब तो उस टाइम तो मुझे नया चैनल खोलना ही पड़ता, तो मैंने जल्दी जल्दी में एक नया चैनल ही खोल लिया। अब गाइस चैनल खोलने के बाद मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, तो क्या होता है ना फ्रेंड सर्कल रहते हैं, अब मैं क्या किया, अब मैं अपने EMI पे एक फोन लिया एंड गाइस सीधा वीडियोस बनाने के स्टार्ट कर दिया। एंड गाइस उस टाइम मैं वीडियोज को एडिट भी नहीं करता था, कोई भी वीडियोज को एडिटिंग नहीं करता था, ठीक है, मुझे एडिटिंग आती ही नहीं थी, ठीक है। आप मेरा सबसे फर्स्ट में वीडियो जाके देखें, जो चैनल में वीडियोस देख रहे हैं सबसे लास्ट का वीडियो जाके देखिए, विदाउट एडिटिंग होगा, विदाउट एडिटिंग वहां जो कुछ भी होगा ना टोटल मैंने डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि मुझे खुद एडिटिंग आती नहीं थी, ठीक है। अभी क्या किया, मैंने वीडियोज बनाते गया, थोड़ा बहुत कॉमेडियन टाइप का वीडियो बनाते गया, थोड़ा सा कुछ बैस बन गया, 700-800 सब्सक्राइबर हो गए। एंड ठीक है, सब्सक्राइबर अपने से कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने बहुत सारे ग्रुप में डालना स्टार्ट किया, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता था, बहुत सारे मेरे गाँव के लोग भी सपोर्ट किए हैं, ठीक है। एंड गाइस मैंने फिर भी परफॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है, अभी तक मेरे गाँव में चर्चे हैं लेकिन मेरा कुछ काम का नहीं, क्योंकि मैं जानता था जहां तक कि मैं वीडियोस बनाता था तो सब बच्चे बच्चे तक देखते थे, अब मैं वीडियोस बनाता नहीं हूं तो इसीलिए मुझे कोई जानता नहीं है, जिस टाइम मैं बनाता था उस टाइम जानता था, ठीक है। तो जिस टाइम के लिए जितनी देर तक सीमित रहता है उतना देर तक सब कोई जानते हैं, उसके बाद उसका अस्तित्व उतर जाता है तो कोई नहीं जानता है, ठीक है, उसी तरह से मेरे साथ हुआ। अब गाइस क्या हुआ, मैंने बताया कि टीम को मैनेज नहीं कर पाया था इसलिए मैंने टीम को भी स्किप कर दिया, ठीक है, आज आया कल नहीं आया, कल आया परसों नहीं आया, परसों नहीं आया, नर्सों ने, आप तो जानते हैं कि एक सा कॉमेडी टाइप का जो वीडियोज होता है वो शूट करने में एक दिन में तो शूट नहीं होता है, उसको 1-2 वीक लगता है शूट करने में, ठीक है, एक छोटा छोटा सा क्लिप शूट करने में। एंड इसी तरह से होता था, एक दिन इसका काम है एक दिन उसका काम है, तो ये कंसल्टेंसी इसमें भी मैनेज नहीं हो पा रहा था, और उस टाइम मेरे पास जुनून था मैं कुछ कर पाता, ठीक है, और नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने मनोज सर से मिला, फिर मेरे को कुछ टिप्स मिली, फिर मुझे लगा कि मेरे चैनल ग्रो होगा, फिर मुझे कुछ उनके वीडियोज में व्यूज चले गए थे एंड उनसे मुझे कुछ इंस्पायर भी हुआ, मैंने उनका वीडियोज ही हमेशा देखता था कि ये हुआ वो हुआ, कभी कभी मैंने अपने पापा मम्मी को भी दिखाता था कि ये किए वो किए, मेरे पापा मम्मी बोलते थे कि तुम कमा के दिखाओ तब मैं मानूंगा, क्योंकि यूट्यूब पे उस टाइम विश्वास ही नहीं था, किसी को बिलीव ही नहीं था कि मैं पैसा कमा पाऊंगा। एंड इसी तरह से चलता रहा। एंड गाइज मैं फिर भी यूट्यूबर नहीं बन पाया हूँ, एंड मैं आपको बहुत दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया था, मेरे एक ब्लॉग वाला चैनल भी था जिसमें मैंने लगभग 300-400 मैंने वीडियोज उसमें अपलोड कर दिए थे, एंड गाइस इसमें भी 200-300 अपलोड किया, ऐसा वो वीडियोज प्राइवेट में करके रखा हूँ, बहुत सारे कंसल्टेंसी मैंने मैनेज किया लेकिन नहीं हो पाया, ठीक है, मैंने ट्रेंड के साथ फॉलो नहीं कर पाया, जिस ट्रेंड था ना उस ट्रेंड के साथ फॉलो नहीं कर पाया, वरना मैं भी एक बहुत अच्छा खासा यूट्यूबर रहता, ठीक है। तो आप लोग ये चीज कभी गलती मत कीजिए, प्रॉब्लम जो फर्स्ट प्रॉब्लम आता है ना, आप लोग चैनल जो है ना, चैनल बनाने से पहले आप लोग एक चैनल बना लेते हैं, एंड गाइस आप लोग ना दूसरे दूसरे गांव के लोगों से ही सब्सक्राइबर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड जब सब्सक्राइब करवाते हैं ना, तो आप जब वीडियोज बनाते हैं ना, तो लोग आपको बहुत कुछ भला बुरा कहना स्टार्ट कर देते हैं,
एंड उस टाइम आप डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, जिसके कारण आपको बहुत सारा प्रॉब्लम भी आती है। यदि आपकी वीडियोस में जान है, यदि आपकी कंटेंट में जान है, तो आपकी कंटेंट ऑटोमेटिक रैंक करेंगी, आपको किसी से सब्सक्राइब कराने की जरूरत नहीं है। एंड गाइज, मैंने किसी तरह से मैनेज करके मेरा 4000 घंटा एंड 1K सब्सक्राइबर मेरा कंप्लीट हो गया। मैंने बहुत कुछ था इसके लिए, मैंने केक वगैरह जितना भी था सारा मैंने कट किया था। मैंने सोचा अब तो मुझे पैसा आएगा, मंथली बेसिस पे आएगा। निखिल, क्या था गाइज कि पैसा आया ही नहीं मेरा, क्योंकि आपको पता है कि जहां व्यू 300-400 आएंगे वहां तो पैसा 0.0001 डॉलर में बनेगा। ठीक है, मेरा एक पेमेंट आने में यूट्यूब से 6 महीना के आसपास लग गया था, और वो भी नहीं आता, क्योंकि किस लिए आया कि मेरा एक वीडियो वायरल हो गया था जिसमें 6 लाख वीडियो व्यू चला गया था कोरोना काल में, इसीलिए मेरा एक पेमेंट आ गया था। ठीक है, इसी तरह से आपको बहुत ही ज्यादा कठिनाई हो सकती है क्योंकि आप उस ट्रेंड को साथ फॉलो नहीं करते हो तो। ठीक है, आप मेरे तरह ही एक अनसक्सेसफुल यूट्यूबर बन के रह जाओगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरे तरह ट्रेंड फॉलो करो एंड मेरे तरह ही रह जाएं। ठीक है, आप अपना खुद का एक ट्रेंड फॉलो कीजिए, चाहे वो कुछ भी वीडियो, कैसा वीडियो है, चाहे आपको लोग हट कर रहे हैं, आपको दिल में तकलीफ हो रहा है कि भाई क्या मना रहा हूं मैं, लोग तो मुझे पागल कह रहे हैं। ठीक है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, यूट्यूब में आना है भाई तो कुछ करके जाना है। ठीक है, आप ये चीज अपने माइंडसेट में